कि आज देश फूड प्रोसेसिंग को यदि देखा जाए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तो हम कहां पर हैं। पहली बात तो यह है जो हमको पता होना चाहिए, जितने भी भारतवंशी हैं, चाहे वो भारत में हैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, एक पीड़ा हमारे मन में जरूर यह होनी चाहिए, यदि आज हम फूड प्रोसेस की बात करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। दुनिया आज 90% तक फूड प्रोसेस में पहुंच चुकी है और हम सब खींच तान करके प्योरली फूड की बात करें तो हम मात्र 2% पर हैं। यदि हम बात करते हैं सब चीजों को मिला करके तो कहीं 6% के लगभग हम पहुंचते हैं। वैश्विक जनसंख्या के दृष्टि से हम देखें दुनिया की लगभग दूसरी बड़ी आबादी इस देश में है, परंतु जो जिससे जीवन चलता है, जो हमको सुबह से शाम तक चाहिए, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक चाहिए, जिसके बिना जीवन का निर्वाह नहीं होता है, उसकी यदि हम बात करें तो हम बहुत पीछे हैं। दूसरी बात, यह देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के अंदर किसान आज बहुत बड़े बड़े किसान नहीं रहे, छोटे छोटे खेत, छोटे छोटे किसानी हो गई है। दुर्भाग्य से उन किसानों को जितना अपने उत्पाद का मूल्य मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा है। उसका मात्र एक कारण है कि जो फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्रियां हैं, उद्योग है, जो करने वाले लोग हैं, करने वाली जो हमारी नीतियां हैं, अब उसको करने के लिए बहुत सुधार की भी आवश्यकता है और हम सबको जागरूक और चेतन होने की आवश्यकता है। और दूसरे जो फूड इंडस्ट्री के मेरे भाई लोग यहां पर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, 6% अब फूड प्रोसेसिंग हो रहा है, देखो कितनी बड़ी संभावना है, 6 को 60 पहुंचाने का काम आप ही कर सकते हैं। सरकार सहयोग कर सकती है, सरकार अनुकूल है, उनको जितना समझ में आता है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग को, किसानों की आमदनी को हम दोगुना करना चाहते हैं। मैं कहता हूं यदि हमारे जितने भी यहां पर प्रोसेसिंग करने वाले लोग हैं, जो सेलर और बायर की आप बात कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाएं, हम किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं, हम 10 गुनी कर सकते हैं।